सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बुद्धि से है। जैसा शास्त्र भी कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तम गुणो बुद्धि वृत्त्यः, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। ऑन एन एवरेज हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा इस नींद पर स्पेंड करते हैं। बट द सैड स्टेट इज, इतना स्पेंड करने के बाद भी मैक्सिमम लोग, एंड आई नो मुझे ये स्टेटमेंट को कहने से पहले वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, मैक्सिमम लोग अच्छी सुखद और गहरी नींद के लिए तरसते हैं। सिंपल से शब्दों में कहें तो नींद हमें दो चीजों के लिए चाहिए। पहला, जो दिन भर हमारे ब्रेन ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस की हैं उन्हें फ्लश आउट करने के लिए, और दूसरा अगले दिन की भागदौड़ के लिए अपने एनर्जी टैंक्स फिल करने के लिए। बट जो नींद हम लेते हैं, क्या उनसे ये दोनों फैक्टर्स पूरे हो पाते हैं? लेट्स हैव अ लाइव चेक, और हम ये जानेंगे कि हम कैसी नींद लेते हैं और कैसी नींद लेनी चाहिए। सो फॉर दिस एक्टिविटी आई नीड टू स्पोर्टी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, टू स्पोर्टी ब्रदर्स जो कि बॉल से अच्छे से प्ले कर सकते हो, कम ऑन फास्ट नाउ ब्रदर, आप मिस्टर ब्रेन हैं, इन पर ब्रेन का टैग लगा दें, आप ब्रेन हैं और आपके जीवन की सारी स्ट्रेस की जड़ ये है। आई एम सॉरी फॉर द एक्टिविटी ओनली, ये स्ट्रेस है। अब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको भी वॉच रखनी है कि ये कोई चीटिंग नहीं करेंगे और कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए इनकी पार्टिसिपेशन में। कैन वी कम दिस साइड, बोथ ऑफ यू प्लीज कम दिस साइड। सो ब्रदर, क्योंकि आज का हमारा हरीज और वरीज वाला लाइफस्टाइल है, तो आपको अपने ब्रेन को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस देनी है, टॉक्सिन्स देने हैं दिन भर के। तो ये जो टिश्यू पेपर्स हैं, टिश्यू बॉक्सेस हैं, आपको 60 सेकेंड्स में एक एक करके मैक्सिमम टिश्यूज इनको लोडेड करना है टिश्यूज से, ठीक है? और हर एक टिश्यू जो है वो टॉक्सिन को रिप्रेजेंट करता है। स्लीप स्पेशलिस्ट कहते हैं कि हमारी स्लीप साइकिल जो होती है वो चार स्टेट से बनी होती है, चार स्टेजेस से गुजरता है हमारा ब्रेन। तो आपको ही चार स्टेजेस से गुजरना है। ये चार स्टेजेस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड हैं, और आपको इन चार स्टेजेस में क्या क्या करते जाना है। पहला, टॉक्सिन्स फ्लश करने हैं, टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं, और हर एक के लिए टॉक्सिन्स के रिमूवल के लिए बॉक्सेस हैं, कार्टन्स हैं। लेकिन यहाँ मैं एक पॉइंट आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। साइंटिस्ट बताते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारी नींद जितनी गहरी होती है, हमारे ब्रेन में इंटरस्टिशियल स्पेसेस उतनी ज़्यादा होते हैं, यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने का रेट ज़्यादा होता है। इसलिए जो डीप स्लीप स्टेट का जो फोर्थ स्टेट है, उसमें जो बॉक्स रखा है टॉक्सिन्स ड्रॉप करने के लिए, उसकी ओपनिंग मैक्सिमम है और मिनिमम ओपनिंग इस बॉक्स की है। सेकेंडली, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट में ब्रेन एक्टिव है, लेकिन जो ब्रेन का एक्टिविटी लेवल है वो डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा ब्रेन एक्टिव है फर्स्ट स्टेट में, लेकिन जैसे जैसे वो डीप स्लीप स्टेट में आता है तो एक्टिविटी लेवल कम होता है। तो ब्रदर, आपको इनको एक्टिविटी लेवल के लिए ये बॉल से ड्रिबलिंग करनी है, और कैसे, आर ब्रदर विल डेमोन्स्ट्रेट। और ये जो आप ड्रिबलिंग करेंगे, इस ड्रिबलिंग का सबसे फास्ट रेट होगा फर्स्ट स्टेट में, उससे थोड़ा कम नेक्स्ट में, देन स्टिल स्लोअर इन द नेक्स्ट, एंड मिनिमम इन द लास्ट स्टेट। आप इस तरह से ड्रिबलिंग करेंगे, और ब्रदर ब्रेन आपको टॉक्सिन्स डालने के साथ साथ बॉल को भी काउंट करना है। तो आपको हर स्टेट में, मैं रिवाइज करा देती हूँ, दो काम करने हैं। एक तो टॉक्सिन्स डालते जाना है, जब स्टेट का टाइम ओवर हो जाएगा मैं आपको कहूँगी स्विच टू द नेक्स्ट, तो आपको उसमें टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं और साथ साथ बॉल का काउंट रखना है। लेकिन जब आप डीप स्लीप स्टेट में पहुँचेंगे तो आपको एक थर्ड काम भी करना है। वो थर्ड काम ये होता है कि जब हम डीप स्लीप स्टेट में होते हैं तो हमारा जो एनर्जी टैंक होता है, साइंटिस्ट बताते हैं डीप स्लीप की स्टेट में हमारे अंदर एक केमिकल सिक्रीट होता है विच इज़ मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन हमारे लिए एनर्जी फुलफिल करता है हमारे टैंक्स में। तो आपको वहाँ पर पानी के ग्लासेस हैं विच इज़ रिप्रेजेंटिंग मेलाटोनिन। तो आपको बॉल की ड्रिबलिंग भी काउंट करनी है जो मिनिमम होगी, आपको टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट करने हैं जो कि मैक्सिमम ओपनिंग आपको मिलेगी, और साथ में आपको मैक्सिमम मेलाटोनिन का इनटेक करना है, ओके, पानी भी पीना है। तो आप लोग वॉच रखेंगे वेदर दे आर फॉलोइंग द रूल्स और नॉट। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद ब्रदर स्ट्रेस। ब्रदर यू कम दिस साइड प्लीज। आपको 60 सेकेंड्स में एक एक करके मैक्सिमम टिश्यूज निकालने हैं, एंड आई विल स्टार्ट योर काउंटर नाउ प्लीज। Be fast. आप
आपको सबसे ज्यादा अपना टॉर्चर करना है अपने ब्रेन को। जितना दे सकते हैं दीजिए, लगातार निकालते रहिए, जितना खाली कर सकते हैं दीजिए, अच्छा है। आज का जो वरीज वाला लाइफस्टाइल है उसमें हम ऐसे ही टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते चले जाते हैं। सेकेंड्स आर नाउ गोइंग टू बी ओवर फास्ट। दीजिए, चैलेंज है ये आपके ब्रेन के लिए। फास्ट 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 एंड टाइम इज अप। ब्रदर नाउ प्लीज पुट दीज टॉक्सिन्स इन दिस बैग, जिससे आपको अपने ब्रेन को लोड करना है। सारे टॉक्सिन्स डाल दीजिए, हम ब्रेन को बिल्कुल फुल चैलेंज देना चाहते हैं। नाउ ब्रदर ब्रेन, आप इस बैग को अपनी नेक में हैंग कर लीजिए। ब्रदर स्ट्रेस, आपका काम अब शुरू होगा। आप बॉल की ड्रिब्लिंग करेंगे, लेकिन सबसे फास्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज के लिए। और आपको दो काम करने हैं, बॉल की ड्रिब्लिंग काउंट करनी है और टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने हैं। और हर स्लीप स्टेट का टाइमिंग अलग होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, नेक्स्ट वन इज स्लाइटली बिगर, थर्ड वन इज अगेन मॉडरेट, फोर्थ वन बहुत ही छोटी स्लीप की स्टेट होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम का बाइफर्केशन किया है। एंड फॉर द फर्स्ट स्टेट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए करिए, उसके अंदर जाना चाहिए, ओपनिंग मिनिमम है, वेरी गुड, काउंट भी रखना है। आपकी स्ट्रेस तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पर है, काउंट नहीं रख पा रहे हैं। टाइम इज अप फॉर द फर्स्ट स्टेट, स्विच ओवर टू द नेक्स्ट। ब्रदर स्ट्रेस अब थोड़ा धीरे बाउंस करेंगे, काउंट रखिए। मुझे मालूम है ब्रेन एक भी काउंट नहीं रख पा रहा है, उनका सारा ध्यान फ्लश करने में है और वो सारा गलत स्कोर बताएंगे हमें काउंटिंग का, हमें बिल्कुल मालूम है ये बात। एंड द टाइम फॉर सेकेंड स्टेज, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्विच ओवर टू द नेक्स्ट। थोड़ा और धीरे कर दें बॉल की ड्रिबलिंग, करिए करिए, आपके पास मैं अभी भी स्कोप है, बट दिस स्लीप स्टेट इज क्वाइट स्मॉल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्विच, नो चीटिंग। लास्ट स्टेट, आपको इसमें मेलेटोनिन भी लेना है, याद रखिएगा पीछे। And it is very short state. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ball ka count chhoot chuka hai and the time is up. Stop. Pehle toh imandari se bataiye, ball count nahi rakh paaye na? Do baar rakh paaye, wo bhi galat rakh paaye, mujhe maloom hai. Dekhiye brothers and sisters, brain ko itna kaam karna padta hai raat bhar. To jab aisa brain hamara hoga, hume achhi neend kaise aayegi? Dekhiye na to toxins dikhaiye na. प्रूफ दीजिए कि आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हुए हैं। सारे टॉक्सिन्स भी पूरे फ्लश आउट नहीं हो पाए हैं, मेलेटोनिन भी पूरा नहीं पी पाए हैं। इसका मतलब ना रिचार्जिंग हुई है ना रिलैक्सेशन हुआ है। अगले दिन यही ब्रेन बिल्कुल फटीग्ड होंगे, जेडेड और फेडेड होंगे। सो सैड, ये है हमारी नींद की स्टेट। थैंक यू ब्रदर्स, प्लीज टेक योर सीट।